माय चैनल ब्यूटी ऑफ रैड और मैं हूँ निशा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अनदर हॉल लेके आ चुकी हूँ और आज का हॉल होने वाला है मीशो हॉल। आज का हॉल भी रैंडम हॉल होने वाला है। मीशो से मैंने काफ़ी दिनों डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, बट व्हाट स्पेशल अबाउट दिस वीडियो इज वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने मंगाए हैं अंडर 200। यस, अंडर 200 रुपीज में आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, गुड क्वालिटी के हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बजट फ्रेंडली है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आईलैशेस दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये आईलैशेस बिल्कुल फाइन आईलैशेस हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये एकदम नेचुरल लुक आईलैशेस हैं। देखिए एकदम फाइन हेयर्स है इसमें। तो अगर आप लोग नेचुरल लुक करना पसंद करते हैं तो इस तरह की आईलैशेस बहुत हैंडी आती हैं। आपने देखा होगा आजकल जो आईलैशेस आती हैं वो काफी प्लास्टिक एंड फेक होती हैं, बट दिस आईलैश हैज नेचुरल हेयर। ये देखिए इसकी हेयर जो है एकदम नेचुरल हेयर्स है। इट डजंट कम विद ग्लू, बट इसमें ग्लू ऑलरेडी काफी हद तक लगी हुई है। आई प्रेफर कि एक आईलैशेस बहुत फाइन आईलैशेस है, तो अगर आप इन्हें अपने आईज पे पुट ऑन करें तो आप ब्लैक ग्लू का इस्तेमाल करें। मैंने अपनी प्रीवियस आई शैडो रिव्यू वीडियो में ये वाली आईलैशेस पुट ऑन करी थी। मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगी, लेकिन उसमें मैंने व्हाइट ग्लू का यूज किया था। लेकिन अगर आप व्हाइट ग्लू यूज कर रहे हैं तो आप लोग ब्लैक आईलाइनर लगा सकते हैं, जिससे कि आप उस बैंड को हाइड कर सके। और ये भी अंडर 200 मिल गई थी। मैं यहाँ पे साथ ही साथ स्क्रीनशॉट्स लगाती जाऊंगी हर प्रोडक्ट के, जिससे कि आप लोग साथ साथ इनके प्राइसेस भी देख सके। सो सेकंड प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है एक व्हाइट टी शर्ट। दिस इज अ प्लेन व्हाइट टी शर्ट। आप देख सकते हैं कि फुल स्लीव्स हैं। ऑल्सो अ लिटिल बिट रफल डिटेलिंग इज ऑन द एंड ऑफ द आर्म्स एंड अ लिटिल बिट ऑन द नेक। एंड जो इसका क्लॉथ मटेरियल है, दिस क्लॉथ मटेरियल इज रियली गुड फॉर विंटर्स। काफी अच्छा क्लॉथ मटेरियल है। बिकॉज इट इज प्लेन वाइट तो ये काफी अच्छे से आपकी काफी ड्रेसेस के साथ चला जाएगा। वहां पर आप लोगों को हर तरह के कलर्स मिल जाएंगे। मैंने अपने लिए व्हाइट कलर चूज किया है, आप देख सकते हैं, बिकॉज आई लव व्हाइट कलर। जो टॉप है ये मेरी वेस्ट तक जाता है। दिस इज नॉट अ क्रॉप टॉप, सो इट इज अ वेरी गुड टॉप। आप इसे अपने हिसाब से कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। प्लस इट वॉज वेरी अफोर्डेबल। ये भी आपको 250 के अंडर रेंज में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस प्लेन टॉप्स को स्टाइल करना अच्छा लगता है तो दिस टॉप इज फॉर यू। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को लेंसेज दिखाने वाली हूँ। यस, लेंसेज जो मैंने मीशो से मंगाया है, एक्चुअली मैंने यूज कर चुकी हूँ क्योंकि ये वन टाइम यूज थे। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये पैकेट में मिलते हैं, ये लाइक दिस। एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, और ये आईलैंड सोल्यूशन के साथ होता है। ऑल यू हैव टू डू इज आपको ओपन करना होता है इस तरीके से एंड इसे निकालना होता है। साथ ही साथ आपको लेंस रखने के लिए केस मिलता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है फॉर लेफ्ट एंड दिस इज फॉर राइट। साथ ही आप लोगों को मिलता है आईलैंड सोल्यूशन। तो आपको देखिए इतनी बड़ी बॉटल मिल जाएगी। सो दिस इज ओनली वन टाइम यूज, लेकिन आपको जो लेंस सोल्यूशन होता है वो काफी ज्यादा मिलता है। बट बिकॉज दिस इज वन टाइम यूज, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे दोबारा यूज ना करें, क्योंकि जो लेंसेज है उसकी लाइफ साइकिल है ओनली वन टाइम। सो आई हैव यूज्ड देम मंथ्स। मैं अपनी कोई भी एक पिक्चर लगा दूंगी। मैंने एक दो पिक्चर्स क्लिक करी थी इसे यूज करने के बाद। दिस वॉज द कलर, दिस इज द हेजल कलर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। तो मैं आपको बता सकती हूँ ये बिल्कुल भी इरिटेबल नहीं थे। 6 to 8 hours इन्हें वियर किया था और जितने टाइम मैंने वियर किया था मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ था। प्लस दे वर लुकिंग रियली गुड ऑन मी। ये भी बहुत अफोर्डेबल था, 200 के अंडर रेंज में आपको ये मिल जाएगा और आप लोगों को काफी तरह के कलर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को आईब्रो पेंसिल कॉम्बो दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मुझे दो मिले थे, दिस इज माय परफेक्टो। तो मैं आप लोगों को एक ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो टिप है एकदम पेंसिल की तरह है। प्लस व्हाट आई लव अबाउट इट इज इट ग्लाइड्स ऑन रियली स्मूथली। ये देखिए एंड ये एकदम स्मज नहीं होता है, आप देख सकते हैं, इट्स नॉट स्मजिंग एट ऑल। साथ ही मैं आप लोगों को इसका ब्रश भी रिसीव होता है, सो दिस इज वेरी हैंडी। दोनों में ही आपको ब्रश अटैच्ड मिलेंगे, देख सकते हैं आप। क्वांटिटी काफी सारी है, सो अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये काफी पसंद आया। दिस इज डार्क ब्राउन, सो इट इज 3-in-1 काजल, आईब्रो एंड योर लिप्स एज वेल। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शत प्रतिशत के मॉइस्चराइजर यानी कि बॉडी लोशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी लोशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में होता है एंड बहुत तरीके के मार्केट में यू नो बॉडी मॉइस्चराइजर्स एंड लोशन ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट फिर आप लोग शत प्रतिशत के बॉडी मॉइस्चराइजर्स क्यों यूज करें, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों। यूजुअली बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं एंड हमारी स्किन के लिए वो हार्मफुल साबित हो सकते हैं, टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। लेकिन जो शत प्रतिशत है वो है 100% नेचुरल एंड बना है प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स से।
ऑल्सो जितने भी यू नो मॉइस्चराइजर या लोशन होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे यू नो हार्मफुल ही हो हमारे स्किन के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन जो 100% है वो हमारे लिए बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 100% नेचुरल है। इट इज मेड फ्रॉम प्रीमियम एंड इफेक्टिव इंग्रेडिएंट, जिससे कि हमारे स्किन को ये विंटर में नरिश करे और अच्छे से मॉइस्चराइज करे। एंड आप लोगों को पता है विंटर्स आ गए हैं और मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट टू हैव। इट कंटेन्स एलोवेरा, शिया बटर एंड कोकोनट ऑयल, एंड इन दोनों ही आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स के हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट वन, और इसका एसेंशियल ऑयल है रोज। ऑल्सो इन दोनों के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो भी नेचुरली डिराइव्ड ही है। सो इसमें जो एसेंशियल ऑयल यूज हुआ है वो है रोज एंड वेटिवर एसेंशियल ऑयल। सो आप लोग देख सकते हैं ये लॉक हो रखा है, मैं इसे ओपन करती हूँ। इस तरीके से इसका लॉक है एंड आपको ऐसे स्लाइड करना है टू ओपन इट। सी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ऑसम है, आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत पसंद आई। सो लेट मी अप्लाई इट, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट एंड ब्यूटीफुल है, लाइक अ रोज, एंड इंस्टेंटली माय स्किन इज मॉइस्चराइज्ड। अब बात करते हैं सेडरवुड बॉडी लोशन की, एंड इसमें जो एसेंशियल ऑयल यूज हुए हैं वो है सेडरवुड एसेंशियल ऑयल एंड नेरोली फ्लावर्स। सो इसे मैं अपने इस वाले हैंड पे लगाऊंगी। और आप लोगों को पता ही होगा जो सेडरवुड होता है उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत हेल्प करती है। ऑल्सो जो बाकी तरह के बॉडी लोशन होते हैं उसमें यूजुअली बेस्ड होता है वाटर होता है, लेकिन 100% के बॉडी लोशन जो है इनका बेस जो है वो एलोवेरा जेल है, यानी कि इसमें 0% डाइल्यूशन हुई है फॉर्मुलेशन की। सो ओवरऑल 100% के बॉडी लोशन का प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्लस ये 100% नेचुरल है, तो ये आपके बाइंग लिस्ट में मस्ट हैव होना चाहिए इन योर स्किन केयर। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और इतना अफोर्डेबल मिल गया। ये देखिए, दिस इज अ बो क्लिप, आप देख सकते हैं दिस इज द टाइप ऑफ क्लिप इट हैज, एंड आप देख सकते हैं इसका जो क्लॉथ मटेरियल है इतना शाइनी नेट है, मुझे बहुत पसंद आया। इट इज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ ग्राफिक इफेक्ट ऑन योर बो। इस बो का साइज भी मुझे काफी अच्छा मिला है। आपने अगर मेरी प्रीवियस मीशो हेयर एक्सेसरी वीडियोस देखी होगी तो उसमें मुझे बोज जो मिले थे बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के मिले थे, बट दिस टाइम आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। आप देख सकते हैं मुझे काफी अच्छा गुड साइज का बो मिला है and I love the color. So according to the size मैं इस hair bow को अपने back of the hair लगाऊंगी। So according to the way it looks, the price is justified. So एक और product है जो आजकल काफी ज़्यादा trend में चल रहा है and that is bucket hat. So ये देखिए, this is such a cute bucket hat. और ये मुझे under 200 की range में मिल गई. So it was such a great deal. तो आप देख सकते हैं, this is how it looks. This is a plain one. अगर आप चाहें तो वहाँ से यू नो डिज़ाइन वाले भी ले सकते हैं या फिर डिफरेंट कलर्स भी अपने लिए चूज कर सकते हैं, बट आई चूज दिस प्लेन वाइट वन बिकॉज ये हर एक आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे ऊपर कर सकते हैं एंड लुक हाउ इट लुक्स, कुछ इस तरीके से ये आपके ऊपर लगेगी। अगर आप चाहें तो इसे नीचे भी रख सकते हैं एंड लाइक पीछे से थोड़ा एंड में कर लीजिए। दिस इज हाउ इट्स गोना लुक। सो आप जैसे चाहें इसे वैसे स्टाइल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगेगी ड्रेसेस के साथ, आपकी टी शर्ट्स के साथ, एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी एज वेल। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी, इट इज अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट, प्लस इट इज वेरी ट्रेंडी एज वेल। तो आप बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी लगेंगे और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। सो नेक्स्ट मैंने एक ड्यूप मंगाया है मीशो से, एंड ड्यूप इज एनेस्थेसिया का मेकअप ब्रश। ये ब्रश बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इंस्टाग्राम वीडियोज में आपने देखा होगा। लुक एट दिस, दिस इज द फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। जो ओरिजिनल है वो एनेस्थेसिया का है एंड दिस इज नॉट ओरिजिनल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट दिस इज अ वेरी गुड ड्यूप। इसकी जो ब्रिसल्स हैं दे आर सो स्मूथ, आप देख सकते हैं। मुझे पर्सनली लगा नहीं था कि एक ड्यूप इतना ओरिजिनल फील होगा, बिकॉज इसकी जो ब्रिसल्स हैं दे आर सो सॉफ्ट एंड इट लुक्स रियली ग्रेट एंड क्लासी। तो अगर आप भी फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश ढूंढ रहे हैं सो आई रिकमेंड दिस फॉर यू। ये भी मुझे 100 समथिंग का पड़ गया था, तो ओरिजिनल इज सो एक्सपेंसिव, उस हिसाब से ये जीवन काफ़ी अफोर्डेबल है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को एक ब्यूटिफुल क्राफ्ट टी शर्ट दिखाने वाली हूँ। दिस टी शर्ट लुक्स रियली ग्रेट एंड मैंने इसे मंगाया है लैवेंडर कलर में।
सो दिस इज एन ओवर साइज टी शर्ट, आप देख सकते हैं. इट हैज अ ड्रैगन ऑन इट, लुक्स सो गुड. इट इज रियली लॉन्ग, लाइक यू कैन सी. एंड ये ओवर साइज है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग. एंड मैंने इसे वन साइज अप में मंगाया है. प्लस आप देख सकते हैं इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 जाती हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं इस तरीके से है तो मुझे इतना 3/4. तो ये प्रिंट मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, बिकॉज इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. लुक वाइज इट लुक्स सुपर्ब. लुक वाइज आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये मुझे 200 समथिंग का पड़ा था. 200 रुपीज के हिसाब से आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग प्रोडक्ट. सिर्फ इसमें लैवेंडर ही नहीं, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, प्लस व्हाइट भी मिल जाएगा विद डिफरेंट कलर प्रिंट्स, बट इट हैड अ सिमिलर पैटर्न. सो अगर आप लोग पसंद आए तो आप भी अपने लिए मंगा लें. प्लस मैंने जितने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं उन सभी के कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. और कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए तो जरूर अपने लिए मंगाइएगा. मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. तो ये काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं. अगर आप लोगों को मेरी आज की अफोर्डेबल मीशो हॉल वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस शेयर कर दें ये वीडियो उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसे अफोर्डेबल हॉल्स देखना पसंद है. तो अब मैं भी जा रही हूँ. मैं आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी हॉल वीडियो के साथ या फिर किसी रिव्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.